तो फ्रेंड्स, आपके साथ भी शायद कभी ना कभी ऐसा हुआ कि आप चाहते हैं किसी इमेज को पीडीएफ में बदलना, लेकिन गाइज हमें बदलना नहीं आता, आपको बताना नहीं आता। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने एंड्रॉयड फोन से दोस्तों किसी भी इमेज या फोटो को पीडीएफ फाइल में बदल सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों, आप एक बार जान जाएंगे तो फिर आप भूल नहीं पाएंगे। सो गाइज, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के। मेरा नाम अमित एंड आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गाइज हम चल जाते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और वहीं पे आपको करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए हमें एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जो आपके मोबाइल में इंस्टॉल होना चाहिए। तो ये दोस्तों एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन में दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे आपको कुछ परमिशन मांगेगा, तो यहाँ पे आपको ऑलो कर देना है। ठीक है, आपको सारे परमिशन को ऑलो कर देना है। तो यहाँ पे दो परमिशन हमें मांगे, उसके बाद आपको इस तरह का दिखाएगा, तो आपको इधर से घिसका देना है दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको रजिस्टर एंड साइन इन बोल रहा है करने को, तो यहाँ पे हम छोड़ देते हैं और यूज नाउ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यूज नाउ पे दोस्तों क्लिक करते हैं, यहाँ पे लेटर कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बोल रहा है कि स्टार्ट स्कैनिंग। यहाँ पे आप किसी भी पिक्चर को दोस्तों डायरेक्ट यहाँ पे शूट करके और उसका दोस्तों पीडीएफ डायरेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों हम गैलरी से इमेजेस को लेने वाले हैं पीडीएफ में। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए मुझे इस फोटो को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ से एक फ़ोटो को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है। आप दो तीन फोटो ऐड करना चाहते हैं या फिर चार पांच फोटो ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और भी फोटो को। तो फिलहाल हम एक ही फोटो को यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्रॉप करना होता है, तो आप अपने मुताबिक दोस्तों क्रॉप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आल पे क्लिक कर देते हैं कि हमें आल दोस्तों पीडीएफ रखना है, हमारा इतना पीडीएफ का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको फिल्टर भी दिया जाएगा, आप चाहे तो अपने फोटो पे फिल्टर दोस्तों यूज कर सकते हैं। तो हम फिलहाल फिल्टर को यूज नहीं करते हैं और हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं इधर। उसके बाद दोस्तों आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप पीडीएफ का नेम भी चेंज कर सकते हैं, करना चाहें तो आप इसका नेम दोस्तों कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद आपको ओके कर देना है। और दोस्तों इसके बाद आपको करना क्या है, तो अभी आप यहीं से दोस्तों शेयर कर सकते हैं, यह आपका पीडीएफ बन चुका है। और दोस्तों हम डन पे क्लिक करते हैं, फिलहाल ऊपर डन पे क्लिक कर दिया, तो हमारे यहाँ पे दोस्तों दिखा रहा है ये पीडीएफ बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए हम इसे ओपन करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे इसे ओपन करने के बाद कहना है एंड एक शेयर का आइकन है दोस्तों एंड एक क्रॉप का आइकन है, तो हम शेयर के आइकन पे क्लिक करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारा ये पीडीएफ बना है या नहीं बना है। तो हम इसके लिए इस पीडीएफ के ऑप्शन पर चल जाते हैं और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम पीडीएफ को ओपन करते हैं पीडीएफ ऐप में दोस्तों। ठीक है, हम इसे कट करते हैं एक ऐड को दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा ये पीडीएफ बनके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से दोस्तों हमारा पीडीएफ दिखाता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह से हमारा पीडीएफ बनके तैयार हो चुका है। अभी हम इसे बैक करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये पीडीएफ यहाँ पे दिखा रहा है, ये वाला दोस्तों हमारा ये पीडीएफ है जो अभी हमने पीडीएफ बनाया। तो ये दोस्तों हम इसे ओपन करते हैं, आप देख सकते हैं हमारा ये पीडीएफ दोस्तों बन के रेडी हो चुका है। बस यार, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, तो यार कमेंट करके जाना, और आपका कोई डाउट या क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट में पूछ डालना, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दे दूंगा। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।